मध्य प्रदेश के भोपाल लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने 26/11 मुंबई हमले में शहीद हुए हेमंत करकरे को लेकर विवादित बयान दिया है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि उन्होंने मुझे गलत तरीके से फंसाया, इसलिए उन्हें अपने कर्मों की सजा मिली है। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के भोपाल संसदीय सीट से बीजेपी उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने बड़ा बयान दिया है। प्रज्ञा का आरोप है कि 26/11 हमले में शहीद हुए एटीएस चीफ हेमंत करकरे को उनके कर्मों की सजा मिली। उनके कर्म ठीक नहीं थे, इसलिए उन्हें सन्यासियों का श्राप लगा था। साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि जिस दिन मैं जेल गई थी उसके 45 दिन के अंदर ही आतंकियों ने उनका अंत कर दिया। जब वो मुझसे पूछा, तमाम सारे प्रश्न करता था, क्यों ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, मैंने तो मुझे क्या पता, भगवान जाने। तो क्या ये सब जानने के लिए मुझे भगवान के पास जाना पड़ेगा? मैंने कहा बिल्कुल, अगर आपको आवश्यकता है तो आप अवश्य जाइए, आपको विश्वास करने में थोड़ी तकलीफ होगी, देर लगेगी, लेकिन मैंने कहा तेरा सर्वनाश होगा। इतनी यातनाएं दी, इतनी गंदी गालियां दी जो असहनीय थी मेरे लिए, और मेरे लिए नहीं किसी के भी लिए। मैंने कहा तेरा सर्वनाश होगा, ठीक 1.25 महीने में सूतक लगता है जब किसी की मृत्यु होती है या जन्म होता है, तो सूतक लगता है। तो जिस दिन मैं गई थी उस दिन इसके सूतक लग गया था, और ठीक 1.25 महीने में जिस दिन इसको आतंकवादियों ने मारा उस दिन सूतक का अंत हो गया। एक सभा में साध्वी प्रज्ञा ने कहा वो जांच अधिकारी सुरक्षा आयोग का सदस्य था। उन्होंने हेमंत करकरे को बुलाया और कहा कि साध्वी को छोड़ दो, लेकिन हेमंत करकरे ने कहा कि मैं कुछ भी करूंगा लेकिन सबूत लाऊंगा और साध्वी को नहीं छोड़ूंगा। साध्वी प्रज्ञा बोली, ये उसकी कुटिलता थी, ये देशद्रोह था, धर्म विरुद्ध था। सभा में साध्वी ने कहा, मैंने उसे कहा था कि तेरा सर्वनाश होगा, जिस दिन मैं गई तो उसके यहाँ सूतक लगा था और जब उसे आतंकियों ने मारा तो सूतक खत्म हुआ। उन्होंने भेजा हेमंत करकरे को, उन्होंने मुंबई बुलाया, मैं मुंबई जेल में थी उस समय। हेमंत करकरे को वो जांच आयोग, जांच जो बिठाई थी वो सुरक्षा आयोग के सदस्य को हेमंत करकरे, उन्होंने हेमंत करकरे को बुलाया, कहा कि जब सबूत नहीं है तुम्हारे पास तो साध्वी जी को छोड़ दो, सबूत नहीं है तो इनको रखना गलत है, गैर कानूनी है। वो व्यक्ति कहता है मैं कुछ भी करूंगा, मैं सबूत लेकर के आऊंगा, कुछ भी करूंगा, बनाऊंगा, करूंगा, इधर से लाऊंगा, उधर से लाऊंगा, लेकिन मैं साध्वी को नहीं छोड़ूंगा। ये उसकी कुटिलता थी, ये देशद्रोह था, ये धर्म विरुद्ध था। साध्वी प्रज्ञा का भोपाल में मुकाबला कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह से है। ऐसे में प्रज्ञा का शहीद हेमंत करकरे के लिए दिया गया बयान भाजपा के लिए मुसीबत बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।